दौसा सीएमएचओ कार्यालय में भर्ती धांधली को लेकर हंगामा, पुलिस बुलाई गई। दौसा जिले के सीएमएचओ डॉक्टर मनीष चौधरी आए दिन विवादों में घिरे रहते हैं, चाहे वह यूट्यूब चयनित अभ्यर्थी की भर्ती का मामला हो या फिर कोरोना सहायक भर्ती का मामला हो, उन पर धांधली में मनमानी करने के आरोप आए दिन लगते ही रहते हैं। हमारे शुभ 24 के जिला संवाददाता विष्णु आशीर्वाद के अनुसार सीएमएचओ की कार्यशैली को लेकर ना तो सत्ताधारी के कार्यकर्ता खुश हैं और ना ही विपक्ष के कार्यकर्ता, और आए दिन उनके खिलाफ सीएमएचओ ऑफिस के बाहर धरने प्रदर्शन किए जाते हैं। आज सुबह युवा कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कोरोना सहायक भर्ती में सीएमएचओ पर धांधली कर चयन करने का आरोप लगाते हुए कार्यालय के बाहर सीएमएचओ का पुतला फूंका और विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राहुल सबलपुरा ने सीएमएचओ पर धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि भर्ती में कुछ रसूखदार लोगों की सिफारिशों से व मन मर्जी से अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। जिन अभ्यर्थियों के प्रतांक अधिक से उनको भर्ती नहीं करने के सिफारिशों के आधार पर कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भर्ती कर लिया गया है, जिससे लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस बुला कार्रवाई की गई, जिनमें कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने डॉक्टर मनीष चौधरी के कार्यकाल में हुई भर्तियों की जाँच कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। बताओ क्या क्या मांग लेकर आए हो, क्यों कर रहे हो? आज दौसा सीएमएचओ कार्यालय के आगे हम सीएमएचओ साहब के खिलाफ हमने जो धरना प्रदर्शन किया है वो इसलिए किया है कि जो दौसा में कोरोना सहायकों की भर्ती निकली है, इस भर्ती में सीएमएचओ साहब द्वारा जो गाले में लिखी गई है, रसूखदार लोगों के कहने पे कम परसेंटेज वाले लोगों को इन्होंने चयन कर लिया और जो जिनकी परसेंटेज ज़्यादा थी उनका चयन नहीं हुआ, और जो ये भर्ती है पूरी इसमें अनियमितता हो रही है। कहीं कहीं जो कई कलेक्टर साहब भी इसकी जाँच कर रहे हैं, हम भी जो लोग हैं सब हम यहाँ हैं, जिनकी ज़्यादा भर्ती है उनको अभी भी ज्वाइन नहीं करा रहे, और जिनके कम लोग हैं जिनके कम नंबर आए उनको सबको ज्वाइनिंग इन्होंने दे दी है। तो इस संबंध में आज हमने यहाँ प्रदर्शन किया है, अभी कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन देंगे, उसके बाद अगर हम 15 दिन का अल्टीमेटम दे के इनको हम जाएंगे, अगर इसके बाद अगर ये नहीं सुनते हैं तो 15 दिन बाद हम एक उग्र आंदोलन यहाँ कलेक्टर के बाहर करेंगे। राहुल गुजर, युवा कांग्रेस अध्यक्ष। आरोप लगा रहे थे कि भाई इसमें फर्तीवाड़ा हुआ है भर्ती में, 742 पदों के स्वास्थ्य सहायकों की हमने भर्ती की, और बिल्कुल कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में गठित कमेटी के अंदर 5 बड़े अधिकारी इसमें थे और पूरी बिल्कुल नीट एंड क्लियर पारदर्शिता से पूरा काम किया है, आरक्षण वाइज किया है, और कहीं तरह के कोई इसमें गतिरोध नहीं है। 742 को सिलेक्शन की बात हो चुकी है, इनका विरोध इस तरह के जहाँ जिसकी इच्छा थी उनको उस जगह पर एडमिशन क्यों नहीं मिल पा रहा, उनको पोस्टिंग क्यों नहीं मिल पा रही। जब महुआ की बात करें, महुआ में जगह 122 है, कैंडिडेट 175 के आसपास पहुँचे, तो कैसे संभव 175 को एक ही जगह मिल पाना, इसका इनका विरोध था और इनको समझा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद ही करते हैं, तो इनकी हठधर्मिता है और निश्चित रूप से गलत है। जो लोग नौकरी माना चाहते हैं बड़ी शालीनता से काम करते हैं और शालीनता से इनको बिगाड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इनकी इच्छाएं या इनके कार्य जो ये चाह रहे हैं, इस तरह से ये जबरदस्ती प्रेशर बना के मुझे धमका करें, इस तरह का मुझे गलत तरह का काम करवाना चाह रहे हैं। डिनाइन कंप्लेंट आएगी तो जाँच करा देंगे, जाँच के कहीं गलत है तो उसकी जाँच के लिए हम लेटर निकाले, फिर भी जाँच कराएंगे, ऐसा कहीं कोई मैटर है ही नहीं। मैं खुद इसको पर्सनल व्यू कर रहा हूँ, जो जहाँ का रहने वाला उसको वहीं पोस्टिंग दे रहे हैं हम, बावजूद इस तरह के नाटक करते तो मैं नहीं सोचता कि ज़्यादा सही रहेगा इनकी। थैंक यू सर।